हेलो साथियों, मैं सत्येन सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और उसमें हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल को हमने देखा था, और वहाँ पे कई क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व भी किए। कई अलग अलग के कहते हैं अच्छे बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने जो कॉम्पिटिशन में आए थे उनको सॉल्व किया। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जो व्हीट स्टोन से तो होता है या व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड होता है, उससे हम लोग देखेंगे कि कैसे कभी कभी सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे व्हीट व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें चार व्हीट स्टोन होता क्या है, इसमें क्या होता है कि चार रेजिस्टेंस होते हैं और वो ऐसे जुड़े होते हैं, एक दो और यहां से एक ये जुड़ा होता है। और दोस्तों एक ये जुड़ा होता है, ठीक है ना। ये आपका रेजिस्टेंस, ये पी क्यू आर एस, और इसको हम एक बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज में चार रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ये पी क्यू आर एस ऐसे जुड़ा होता है। और इनके इस सिरे पर एक यहाँ पर अलग से रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये जो इसका क्या करता है, ब्रिज का काम करता है। क्या करता है, ब्रिज का काम करता है, मतलब इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसी को हम लोग कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर पी अपान आर, पी बाई आर, क्यू बाई एस, अगर इनका रेशियो क्या है, इक्वल है, मतलब पी और आर का रेशियो और क्यू बाई एस का, ठीक है, अगर इनका रेशियो क्या कहते हैं, अगर इक्वल है तो ये क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो वो कहलाएगा कि हमारा जो ब्रिज है वो क्या है, बैलेंस है। किस कंडीशन में है, बैलेंस मतलब संतुलन की स्थिति में है, ठीक है ना दोस्तों। किस कंडीशन में है, संतुलन की स्थिति में। कब होगा, जब पी और आर का रेशियो क्यू और एस का रेशियो इक्वल होगा, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा ब्रिज होगा वो किस कंडीशन में होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। जब ये कंडीशन आपका रहेगा, बैलेंस कंडीशन में रहेगा, तब इस सिरे पर ये सी और ये डी, इन दोनों सिरों का, सी और डी सिरों का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब कि वी सी इक्वल टू वी डी, वी सी इक्वल टू वी डी, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ का विभव और यहाँ का विभव क्या होगा, समान। अगर यहाँ और इन दोनों का विभव क्या है, समान है, तो उस कंडीशन में बच्चा पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा, जीरो होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो आप जानते हैं जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ही होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट का फ्लो नहीं होता है। अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब कि इस ब्रिज में कोई करंट नहीं बहेगा। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर काम क्या होता है, करंट को डिटेक्ट करना, मतलब करंट को वो हमेशा बताता है। अगर थोड़ी भी मात्रा में करंट आता है ना तो क्या करता है, उसे डिटेक्ट करता है, वो बताने लगता है कि यहाँ पर करंट आ रहा है। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इसमें करंट फिर नहीं बहेगा। ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, ब्रांच सी डी में कोई धारा नहीं बहेगी। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं
ब्रांच ब्रांच सी डी में कोई धारा नहीं बहेगी, कोई धारा नहीं बहेगी, ठीक है ना। तो यहां पर इस ब्रांच में कोई धारा नहीं बहेगी, और दूसरा नंबर कि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा गैल्वेनोमीटर में कोई धारा धारा नहीं बताएगी, गैल्वेनोमीटर कोई धारा नहीं बताएगी। इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट का मान है बच्चा वो क्या होगा, जीरो। और जब इसमें करंट बहेगा ही नहीं, तो ऐसे कंडीशन में यहां पर जो हमारा एक अलग से ये रेजिस्टेंस लगा है, इस रेजिस्टेंस का लगना या ना लगना किसी कोई मतलब का नहीं होता है। इसका मतलब हम देखेंगे जब भी हमें सर्किट ऐसे मिलेंगी कहते हैं, तो हम देखेंगे कि किस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है ना। अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो जो ब्रिज का काम कर रहा होगा वो वाला जो रेजिस्टेंस है वो आपके किसी काम का होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको खत्म कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे, और फिर बाकी हम अपना जो बेसिक मेथड है सीरीज या पैरेलल, इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, और उस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सीखते हैं कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का यूज किया जाता है। फिर से मैं कह रहा हूं, पी बाई आर क्यू बाई एस अगर इस रेशियो को फॉलो करता है, दो के दोनों इक्वल है, तो हमारा वो बैलेंस कंडीशन में होगा। अगर बैलेंस कंडीशन में होगा तो सी और डी का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। कुल मिला के पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट की वैल्यू जीरो। इसका मतलब ना इस ब्रांच में कोई करंट बहने वाला है, ना इस गैल्वेनोमीटर में भी कोई धारा डिटेक्ट होगी, ठीक है बच्चों। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें कहा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी। इसमें कहा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी, मतलब ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमें उसे क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है। तो ये सर्किट है और इस सर्किट में पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, और यहां से ये जुड़ा हुआ है इससे, और ये जुड़ा हुआ है इससे। इसकी वैल्यू 6 ओम, ये 4 ओम, ये 5 ओम, और ये 3 ओम, और ये 2 ओम। अब हमें चेक करना है कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का फॉलो कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों हम लोग सीधा सीधा देखते हैं, अगर देखे ये 2 ओम है और ये 3 ओम, और ये 4 ओम है और ये 6 ओम, हम इसको ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है कि क्या सर्किट ऐसे ही ड्रा होती है, ऐसे ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है, तरीका है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में सर्किट ऐसे ही होती थी। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, और ये डी हो गया। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा होता था, क्या यही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या होता है, तरीका होता है। अगर देखें ए, तो यहां पर हम नामकरण कर लेते हैं, ये पॉइंट अगर ए है तो ये भी क्या होगा, ए, और ये पॉइंट बी है तो ये वाला भी पॉइंट क्या होगा, बी, और इसको हम एक्स मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, वाई, सॉरी इसको सी मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। अब देखिए ए और सी के बीच में कितने ओम का जुड़ा है, 2 ओम, ए से ये 2 ओम कनेक्ट हुआ है और कहाँ गया, सी पर। इसका मतलब ए और सी के बीच में कितना ओम जुड़ा है, 2 ओम। ए और डी, ये ए और डी के बीच में कितना जुड़ा है, 3 ओम। अब यहां देखिए बी वाले चलते हैं, बी से ये आपका जुड़ा हुआ है, बी और सी के बीच में कितना जुड़ा हुआ है, 4 ओम,
तो बी और सी के बीच में बच्चा कितना जुड़ा हुआ है, 4 ओम। ये बी और सी के बीच में 4 ओम जुड़ा हुआ है, और बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में 5 ओम। तो ये बच्चा क्या हो गया आपका, सॉरी 6 ओम। बी और डी के बीच में ये बच्चा कितना है, 6 ओम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 ओम, 6 ओम। अब देखिए 5 ओम कहाँ जुड़ा है, सी और डी के बीच में। तो इसका मतलब सी और डी के बीच में कितना जुड़ा है, 5 ओम। ये हमारा बच्चा क्या बन गया, सर्किट बन गया। अगर हम यहाँ पर देखें, हम इसका देखते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। अगर बच्चा हम इसको देखें तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, और ये क्या हो गया, S। तो P बाई R इक्वल टू Q बाई S। तो अगर बच्चा यहां से देखे, P की जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है, R की वैल्यू कितना है, 3, और यहां से Q की वैल्यू कितना है, 4, और S की वैल्यू कितना है, 6। अब यहां से काटे 2 दूना 4, 2 3 6। तो अगर देखा जाए तो 2 बाई 3 इक्वल टू 2 बाई 3, इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है। अगर बच्चा ये इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ब्रिज है, ये सर्किट है, वो किस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में। अगर ये बच्चा बैलेंस कंडीशन में है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 5 ओम का लगा है इसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर ये हमारे किसी मतलब का नहीं होगा तो बच्चा हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस सर्किट से हटा देंगे इसको, क्या कर देंगे, इस सर्किट से हम इस चीज को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अगर बच्चा हम इसको हटा दिए, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको हटा दिए तो हमारा केवल ये बचा। अगर अब देखा जाए तो यहाँ से ये आपका ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, देखा जाए रास्ते कितने हैं, 2, और ये दोनों, ये आपका 2 ओम और ये 4 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसका मतलब 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 ओम। 3 और 6, ये 6 ओम को देखा जाए तो किस क्रम में, श्रेणी क्रम। 3 प्लस 6 कितना, 9 ओम। अब देखा जाए जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, ये जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, पैरेलल बन जाते हैं। और यहां से अगर देखा जाए, ये आपका बी और ये क्या हो जाएगा, ए। अब इसका मान कितना है, 6 ओम, और इसका मान कितना है, 9 ओम, ठीक है ना। अब हमारे पास आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, ये दोनों समांतर में है तो ऊपर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और नीचे क्या कर देंगे, इनका जोड़ कर देंगे। तो यहाँ पे 9 6 54, और ये 9 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15। अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा कि कहते हैं, अगर देखा जाए तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा 9 गुणते 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 9 प्लस 6, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से क्या करें, इसको 6 गुणते 9 बटे 9 6 15। अब यहाँ इसे काटे 3 से, 3 3 का 9 3 5 15, तो 6 3 18। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, 18 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 18 बटे 5 ओम। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो ये हमारा व्हीटस्टोन सेतु मेथड था, और इसमें देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, वो क्या है, राइट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। चलिए आइए हम लोग एक अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में स्क्रीन पे आपके दिया गया है, इसमें कहा है 5 वोल्ट के स्रोत से प्राप्त धारा होगी, ठीक है ना, 5 वोल्ट के स्रोत से प्राप्त धारा होगी। और यहाँ पे बच्चा क्या किया गया है, सर्किट बनाया गया है। तो आइए बच्चा हम इसकी शुरुआत करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या है इस सर्किट में। तो बच्चों यहाँ पर एक सर्किट बनाया गया है, ये सर्किट है और ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, और ये 20 ओम का है, ठीक है ना। और इससे ये कनेक्ट है एक 10 ओम का, ये 10 ओम का कनेक्ट है यहाँ पर, और इससे ये कनेक्ट है, इससे ये बच्चा कनेक्ट है, ये आपका 10 ओम का, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम, और ये 10 ओम। और ये पॉइंट क्या है आपका बच्चा, बी। ये पॉइंट क्या है, बी, और ये पॉइंट क्या है बच्चा, ए। और इसको एक बैटरी से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना है, 5 वोल्ट है, ये प्लस और माइनस।
अब इसमें कहा है कि 5 वोल्ट के इस बैटरी से इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें यही पूछा है कि इसमें करंट का मात्रा कितना जा रहा है। तो बच्चा आपके पास सीधा सीधा सिंपल सा तरीका, हम लोग बच्चा क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे व्हीटस्टोन मेथड बनाएंगे। हमारे पास व्हीटस्टोन का ये तरीका होता है, ये तरीका, और हम चेक करेंगे। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अगर देखे इसे हम क्या मान लें सी और इसे क्या मान लें डी, तो देखिए ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 10 ओम है, ए और सी के बीच में 10 ओम हमने लगा दिए। अगर देखा जाए ए और डी के बीच में 5 ओम है, तो ए और डी के बीच में 5 ओम लगा दिया। अब देखा जाए बी और सी के बीच में कितना है, 20 ओम, तो हमने बच्चा 20 ओम लगा दिया। अगर देखा जाए कि बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में देखा जाए तो 10 ओम है, तो हमने 10 ओम लगा दिया। और यहाँ पर सी और डी के बीच में बच्चा कितना है, 10 ओम, तो ये हमने बच्चा 10 ओम लगा दिया। ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, और इसको एक बैटरी से हमने करंट कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, हाई वोल्ट। अब बच्चा आप अगर देखे यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखे तो ये इन दोनों का रेशियो होता है, तो 10 बटे कितना 5, और ये इन दोनों का रेशियो होता है 20 बटे कितना 10, 5 दूना 10 और 10 दूना 20। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2:1, 2:1 का रेशियो आ गया। अगर 2:1, 2:1 का रेशियो आ गया, इसका मतलब क्या है, ये इक्वल है। इसका मतलब यही है कि जो हमारा यहाँ पर ब्रिज बना है वो किस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन में है। तो इसका मतलब कि ये जो सर्किट है आपका 10 ओम का, इसे आप लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, इस सर्किट को हटा देंगे। तो हम इस सर्किट को यहाँ से बच्चा क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो हमारा अब क्या बच गया, ये केवल और केवल बच्चा क्या बच गया, पैरेलल बन गया। तो अगर यहाँ देखें इन दोनों को देखें, ये दोनों किस क्रम में, सीरीज में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 + 20 बराबर कितना 30 ओम हो जाएगा। और ये बच्चा 5 और ये कितना 10, कितना हो जाएगा 5 + 10 कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 15 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों सर्किट किस क्रम में बन गई, समांतर क्रम में। तो अगर बच्चा इसका देखा जाए तो ये दोनों सर्किट ऐसे समांतर क्रम में बन गई। अगर बच्चा समांतर क्रम में बन गई तो ध्यान दीजिए, ये आपका ये और एक ये, +5 वोल्ट का, और ये आपका 30 ओम, और ये बच्चा कितना 15 ओम। अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो यहां से निकालें तो क्या हो जाएगा, 30 × 15, क्योंकि ऊपर गुणा, जब दो प्रतिरोध होता है ऊपर गुणा नीचे जोड़, और 30 + बच्चा कितना 15। तो यहां से अगर देखा जाए 30 × 15 / 45 हो जाएगा, 30 और 15 45, 15 × 15, 15 × 3 45, और 3 × 2 30। तो R इक्वल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, 10 ओम आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे धारा कितना हमें मिलेगा, तो बच्चा आप जानते हो अगर करंट बराबर है तो पोटेंशियल बटे क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो V का मान कितना है 5, और RE का मान कितना है 10, अगर यहाँ भाग दे तो 0.5 क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में देखें तो देखिए 0.5 आपका है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन हमने लगाया है, इस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करेंगे। इसमें कहा है ए और बी बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध होगा, ये सर्किट डायग्राम बना है, सभी 10 ओम के हैं, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चा, आइए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में देखिए, इसमें लिखा है कि निश्चित मान के 5 प्रतिरोधों को, निश्चित मान के 5 प्रतिरोधों को, मतलब 5 प्रतिरोध है, 5 रेजिस्टेंस है, और उनका मान क्या है, निश्चित है। निश्चित मान के 5 प्रतिरोधों को चित्र में दिखाए अनुसार जोड़ा गया है, मतलब जैसा चित्र में दिखाया गया है उसी प्रकार से क्या किया गया है, 5 प्रतिरोधों को बच्चों क्या किया गया है, जोड़ा गया है। भुजा बी डी में, भुजा बी डी में धारा होगी। तो बच्चा अगर यहाँ पर देखें,
देखिए यहाँ पर जो सर्किट बना है वो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज तरीके से ही बना है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज तरीके से ही बना है। तो अगर हम यहाँ पर सर्किट को देखें, ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया। अब इसको क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट किया है, एक बैटरी से ये कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और यहाँ पर एक ब्रिज लगा है, ये कितना 4 आर का, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि ये सर्किट है, इस पॉइंट बी और डी इसमें करंट बह रही है कि नहीं, मतलब इस करंट में धारा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करें क्या ये बैलेंस कंडीशन में है। तो हमने कहा था ये इनका इनका अनुपात इक्वल टू इनका इनका, तो आर अपान क्या हो जाएगा, आर, और ये बच्चा आर बाई आर, क्या दो के दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। अगर रेशियो सेम है तो इसका मतलब कि इसका कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आपका अगर देखा जाए वी बी और यहाँ का वी डी, ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चा, जीरो। और आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो यहाँ इस सर्किट में कोई करंट नहीं बहेगा। तो बच्चा देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, भुजा ए बी सी में धारा की आधी, मतलब बी डी भुजा में, भुजा ए बी सी में धारा की आधी, ये तो गलत है, शून्य, हाँ यही आंसर होगा। और तीसरा आप भी ऑप्शन देख लीजिए, भुजा ए बी सी में धारा की दोगुनी होगी, भुजा बी ए बी सी में धारा की 4 गुनी होगी। तो बच्चा इसका कोई मतलब नहीं, केवल और केवल क्या होगा, यहाँ पर जो करंट का मान होगा वो बच्चा कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है बच्चा। तो ये आपका क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, और ये सब क्वेश्चन जो है वो सब कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा है कि बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है, सर्किट, और ये आपका बीएचयू 2003 में आया है, सीपीएमटी 2004 में आया है, यूपी सीट में जो यूपी टीयू होता है आज के डेट में एकेटीयू है, इसमें 2001 में आया था। तो हम बच्चा चाहेंगे कि इसका आंसर आप खुद ही की कहते हैं कमेंट बॉक्स में दे, ठीक है ना। ये सवाल आपके सामने है और इस सवाल को आप जरूर करिएगा और इसका आंसर आप दीजिएगा। हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में कहा है, एक मिनट, हाँ हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें कहा है पांच समान प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध स्मॉल आर है संलग्न चित्रानुसार जोड़ा गया है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ऑप्शन है बिंदु बी व डी के बीच आर है, बिंदु बी व डी के बीच आर बाई टू है, बिंदु ए व सी के बीच आर है, बिंदुओं ए व सी के बीच आर बाई टू है। तो बच्चा अगर देखा जाए, ध्यान दीजिए, इसमें सर्किट बनाया गया है, ये सर्किट है हमारा, ये हमारा सर्किट है, और इस सर्किट में पांच रेजिस्टेंस को क्या किया है, इक्वल फॉर्म में जोड़ा गया है, ये आप, और यहां से एक रेजिस्टेंस, तो टोटल कितने हो गए, पांच, और यहां पर एक पॉइंट है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। अगर यहां देखा जाए तो ये क्या है आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, और यहाँ पे बच्चा क्या है, ये आपका आर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहा है कि हमें ज्ञात करना है कि मतलब बिंदु बी व डी के बीच आर है। मैंने आपको बताया अगर ये गौर से देखिए तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड्स के तरीके से है, तो ऐसे कंडीशन में केवल और केवल हम ए और सी के बीच क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन में हम इन दोनों के बीच में निकालते हैं। याद रखिएगा कभी भी तुल्य प्रतिरोध उस सिरे का नहीं निकलता है जिस सिरे पर ब्रिज होता है। अगर यही ब्रिज अगर ए और सी के बीच बना होता, मतलब जो ये आर यहाँ लगा है वो ए और सी के बीच लगा होता, तब हम बी और डी के बीच निकालते, लेकिन ये आर यहाँ पे बी और डी के बीच में लगा है, इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो प्रभावी प्रतिरोध है या तुल्य प्रतिरोध है, वो हम ए और सी के बीच क्या करेंगे बच्चा, निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम यहां से देखें तो ये देखिए आर बाई आर, आर बाई आर, तो दो के दोनों का रेशियो क्या है, सेम है, रेशियो अगर इक्वल है इसका मतलब क्या है, ये आपका बैलेंस्ड कंडीशन में है। बोलिए बच्चा, अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इसका मतलब कि ये हमारे किसी काम का होने वाला
नहीं है, तो हम यहां से अगर इस चीज को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां से ये देखिए, ये दोनों क्या बन गए, सीरीज कॉम्बिनेशन बन गए। तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, टू आर, और ये दोनों भी क्या हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, टू आर। अब ये देखिए, ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो आर इक्विवेलेंट आप सीधा टू आर इंटू टू आर अपॉन टू आर प्लस क्या हो जाएगा, टू आर। अगर यहां से देखें आर इक्विवेलेंट, तो टू आर इंटू टू आर अपॉन फोर आर हो जाएगा। काटेंगे कितना जाएगा, दो बार दो से दो कट गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चा, आर। तो ऑप्शन देखिए, इसमें कौन सा सही है, इसमें कहा है बिंदु बी व डी के बीच आर है, तो बिंदु बी व डी के बीच तो आर है, आर तो आया है, लेकिन बिंदु बी व डी के बीच नहीं, ए और सी के बीच आया है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ए व सी के बीच क्या है, आर है। तो ये बच्चा क्या है, आपका एक सवाल बेहतरीन सवाल था, और ये सवाल की कहते हैं रुड़की, जो आज के डेट में आईआईटी रुड़की है, वो पहले अपना स्वयं एग्जाम करवाती थी, और उस एग्जाम में ये क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। आइए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में कहा है, दिए गए चित्र में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ये बच्चा ये सवाल आप स्वयं करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा। ये आपका पीएमटी 2000 में आया था और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है, दिखाए गए परिपथ में धारा I का मान है, ठीक है ना। ये परिपथ है, और इस परिपथ में क्या कहा गया है कि जो धारा है उसका I का मान कितना होगा। अब देखिए बच्चा, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में हमेशा आपको सर्किट नहीं बनाना है फालतू, ठीक है ना। बार बार आप सर्किट, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप चीजों को डायरेक्ट सॉल्व करना सीखिए, ताकि आपको क्या बचेगा, टाइम बचेगा। अगर आप यहां पर ध्यान दें, जैसे इस सवाल में हम लोग देखते हैं, इस सवाल में ऐसे जोड़ा गया है, और यहां से एक कनेक्ट किया गया है ये, और ये आपका एक बैटरी है, और इस बैटरी में विभव कितना है, वी, ये प्लस और माइनस, और ये आपका 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 4 ओम है, और ये बच्चा कितना है, 2 ओम है। अगर बच्चा हम इसे ध्यान दीजिए, अगर हम इसे क्या मान लें, ए मान लें, और इस पॉइंट को क्या मान लें, बी मान लें, ठीक है ना। अगर इसे हम ए मान लें और इसे क्या मान लें, बी मान लें, तो ये हमारा सी और डी का काम करेगा, बोलिए। और हम चेक करते हैं इनका रेशियो क्या होगा। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाओ तो देखो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बना है, केवल इस सर्किट को देखिए। तो यहां से इन दोनों का रेशियो लेते हैं 4:6, और यहां से 2:3। अगर इसे काटे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2:3 = 2:3। इसका मतलब कि ये हमारा सर्किट क्या है, बैलेंस है। अगर हमारा बच्चा सर्किट बैलेंस है, तो इसका मतलब कि जो इसमें 4 ओम का लगा है प्रतिरोध, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ए और बी के बीच में, तो ये किस क्रम में है, ये श्रेणी। तो 4 + कितना, 2 = कितना, 6 ओम, और यहां पर देखिए तो 6 + 3 = कितना, 9 ओम। ये हमारा क्या हो गया, 9 ओम। और ये दोनों एक दूसरे जब ये जुड़ेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से किस क्रम में है, पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट आप निकाल लीजिए सीधा सीधा, 6 * कितना, 9, और 6 + कितना, 9। तो आर ई = 6 * 9 / यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15, 3 * 9, 3 * 15। तो आर ई = कितना हो जाएगा, 18/5 ओम हो जाएगा। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चा, करंट का मान निकालना है। अगर बच्चा हमें करंट का मान निकालना है, तो ध्यान दीजिए, I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R इक्विवेलेंट, और V की वैल्यू हमारा V ही है, और इसका मान कितना है, 18/5। ये 5 ऊपर जाएगा तो 5V अपॉन क्या हो जाएगा, 18। यही हमारा क्या हो जाएगा, विभव सॉरी धारा का मान हो जाएगा, इतना एम्पियर। तो ध्यान से देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही आंसर है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और बच्चा यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको लगा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन आप की कहते हैं सॉल्व करिएगा, एमपी पेट में आया था 2001 में, और इसको ध्यान से समझिएगा, और इसमें क्या आंसर हो सकता है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक सवाल और है, ठीक है ना। इस सवाल को भी आप सॉल्व करिएगा, और जैसा होगा आप इसका आंसर आप बताइएगा। तो ये बच्चा था आज का सेशन हमारा,
आपको ये कैसा लगा आप अपनी जरूर राय दें। आपको समझ में आया नहीं पीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड लगभग लगभग मैंने सारे टाइप के कहते क्वेश्चन हमने टच कर लिए हैं। देखेंगे दो चार क्वेश्चन जो और होगा हम उसे अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है हमें क्या, और ऐसे ही मेहनत करते रहना चाहिए। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम भी बेहतर करेंगे तो आप भी बेहतर होंगे, आपके साथ साथ हम भी बेहतर बनेंगे। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।